भारतीय नौसेना की ताकत जल्द ही और बढ़ने वाली है, क्योंकि देश के पहले एंटी सबमरीन वाटरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अरनाला को लॉन्च कर दिया गया है। मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की वित्तीय सलाहकार रसिका चौबे ने INS अरनाला को लॉन्च किया। INS अरनाला को गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। INS अरनाला एक तरह का साइलेंट शिप है, क्योंकि यह पानी में चलते हुए बिल्कुल आवाज नहीं करता है। INS अरनाला निगरानी करने और हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके साथ ही इसे हल्के टॉर्पीडोज और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस किया गया है। INS अरनाला का नाम महाराष्ट्र के वसई से 13 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीप अरनाला के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना 16 ऐसे कॉर्वेट्स को बनवा रही है, जिनके 2026 के आखिरी तक मिलने की उम्मीद है। इन सभी कॉर्वेट्स को बनाने की लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपए आएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।